सुनने वाला किसी ने अफतारी से बुलाना नहीं है, क्यों ना भाई हम कोई छोटा मोटा जुगाड़ करके खुद ही ना कुछ बनाए। आओ तुहानू बहाने अच्छा बाबा जी, ये जो है ना यहाँ मैं चिकन लेके आया हूँ, चिकन तकरीबन 350-350 ग्राम था। इसमें मैंने जो है ना मसाले वगैरह ऐड किए हैं, लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, जो दादर मिर्च होती है वो डाली है इसमें, और मैंने काली मिर्च डाली है इसमें, मैंने ज़ीरा डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, मैंने दही डाला है, ऑयल डाला है जनाब, इसमें मैंने इसको मैरिनेट करके ना नींबू भी डाला है, नींबू भाई ऑप्शनल होता है, नींबू डालना पड़ता है, मैरिनेट करके इसको मैंने रख दिया था। उसके बाद इसको जो मैंने ना अच्छी तरह इसको मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको फ्री पॉन पर जो है ना वो मैंने रख दिया पकने के लिए, क्योंकि इसको इसमें चिकन का अपना पानी जो होता है वो खुद छोड़ना होता है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, खुद पक जाता है इजी मोल में। अच्छा यार, यहाँ जो है ना दही भले अफतारी के पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, भूख लगी है, वैसे अभी थोड़े से टेस्ट किए थे, मज़े के थे, मैंने और डाल लिए। अच्छा अपना जो है ना वो देखते हैं कि चिकन का क्या हिसाब है, ये थोड़ा सा ना स्टीम करने के लिए रख दूंगा मैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद जो है ना मैं इसको आके देखूंगा, काफ़ी हद तक जो है ना वो भुन चुका होगा अंदर तक, इसकी स्टीम चली गई होगी। अब 5 मिनट के बाद इसको जो है वो देखते हैं कि क्या हिसाब है। 5 मिनट के बाद जनाब खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये जो हमने इसकी अलग से वाइट सॉस की बनाई थी क्रीम, वो मैंने थोड़ी सी डाल दी, मैंने कहा वो टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा इससे। लो जनाब, यहाँ चिकन के जो है वो मैंने पीसेस कर रहा हूँ नाइफ़ की मदद से। इसका मतलब ये होता है कि चिकन के पीस करने का कि आपका जो चिकन का वो जो मज़ा है ना वो अंदर तक उसके बॉडी के अंदर अच्छे इसके पीस करने पड़ते हैं ताकि मज़ा आता है आपको खाते हुए। नाइफ़ की मदद से आपने हल्के हल्के कर लेने। मेरे तो फ्राई पैन की भाई हालत जो है वो डेड हो गई थी, इसकी मैं चाकू अंदर ही चला रहा हूँ। हाँ जी भाई, ये देखें बेगम जो है वो रोटी बना रही हैं, पराठा है, इसमें हल्का सा ऑयल लगाया, ज़्यादा ऑयली नहीं मैं खाता, और आपको भी ये रेकमेंड करूँगा रोटी की तरह हो। ये हमारी चीज़ है, ये हमारा सलाद है जो बीच में लगेगा भाई, चिकन चीज़ पराठा रोल के साथ। ये देखें रोटी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो आपके सामने है, मुँह में पानी तो आ रहा होगा भाई। अब इसको जो है ना वो हम अच्छी तरह लगाएंगे। यार एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मेरे पास जो है ना वो रैप पेपर नहीं थे, मैंने रसाला पकड़ा, बाजियाँ ऊपर आई हुई हैं, अब मैं यार इनकी पेपर की मदद से जो है ना वो अब इनको रैप करूँगा, रोल करूँगा, मेरे पास नहीं था। ये जनाब कैचअप वगैरह लगाइए, शशका ए क्रीम का शशका आ गया जनाब, ये हूँ जनाब सलाद वगैरह रखांगे इतने बेहतरीन जे करके, वो खीरा भी जे खीरा भी रखांगे जनाब बेहतरीन जहा करके, पूरा माहौल आएगा, टच आएगा ना जनाब, इनते मज़ा नहीं ना आता। फिर इसके बाद जनाब अब हम डालेंगे चिकन की बारी है, चिकन आपने तादाद देखनी है भाई, खुला डुला बनाया तो मज़ा भी आएगा। चिकन देखो ऐसे लग रहा ना आपको कि सही प्रोफेशनल काम हुआ, सीधी सी बात है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मैं कौन सा कोई कह लो कि प्रोफेशनल कुक हूँ, लेकिन यार दिल कर रहा था, किसी ने अफतारी पर नहीं बुलाया, मैंने कहा चलो यार ऐसी सही, ये भाई हमारी असल चीज़ आ रही है ना, असल चीज़ है, लेकिन चीज़ आ रही है इसको ये जो है ना हमारा चिकन अभी फ़िलहाल जो है वो गर्म है, पराठा भी गर्म है, इसका हम एक जो है ना ट्रिक लगाएंगे, ये वाइट सॉस डाल रहे हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसको जनाब हम रैप करेंगे। वे लो भाजी, रोज़े का टाइम से कितों रैप पेपर लैके आंदा, लेकिन जनाब इनू मैं रैप कर रहे हैं जी, बेहतरीन किस्म का रसाला सी पारता, मैं कहा चलो यार एन जी सही। अब जनाब इसको हम 1 मिनट ओवन में रखेंगे गर्म करने के लिए, ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब यह वेखो जनाब इनू चाकू मारे हूँ, वेखो उधर अंदर है, शशके चेक करो है, चीज़ वगैरह पिघल गई है, हूँ खाव मज़ा आएगा, चीज़ जो अंदर मेल्ट हो गई गर्म गर्म। जानो क्या याद करोगी, एक आपके लिए भी बनाया, ट्राई मार के देखो कैसा है। अच्छा कैसा है? बहुत जबरदस्त है।